नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमन पांडे। एक बार फिर से बुरी किस्मत कहें अपनी या मुंबई पुलिस की साजिश, ये चीजें सामने आने बाकी है। पर हमारे लिए तो अभी फिलहाल बुरी किस्मत ही है कि त्रिमुखे जो है हो गए कोरोना पॉजिटिव। तो ये त्रिमुखे वही है मुंबई के DCP जिनसे पूछताछ करने के लिए समन जारी की गई थी CBI के द्वारा। तो हमारे लिए क्या है बुरी किस्मत, जहां नए नए एंगल सामने खुलकर आ रहे थे, जहां हम दोषी के पास बहुत ज्यादा करीब हो गए थे, गुनाहगार बहुत जल्दी सामने आने वाला था, वहां एक नई चीज सामने आ जाती है कि हमारे मिस्टर त्रिमुखे जो DCP हैं वो हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव। और इतना ही नहीं, उनकी वजह से अब ऐसा भी बोला जा रहा है कि CBI के जितने भी ऑफिसर्स जिन्होंने उनसे पूछताछ की, जिनसे फाइल की हेरफेर की है, उन सब का कोरोना टेस्ट होना पॉसिबल है। लेकिन वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से पूछताछ की गई है तो उनके अकॉर्डिंग बोलते हैं कि डिपेंड करता है CBI वालों पे कि वो कराना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि उनको एक छूट दी गई है जो भी लोग आए हैं मुंबई में CBI जो पूछताछ करने के लिए, कि उनको क्वारंटाइन नहीं की जाएगी और एक सर्टन पीरियड के लिए जब तक वो रहना चाहे, पूछताछ में जितना टाइम लगता है वो मुंबई में रह सकते हैं, उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। लेकिन इस तरीके की चीज़ जो त्रिमुखे DCP का जो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, ये थोड़ा अब चीजों को घुमा रहा है। तो ये जो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया है, क्या ये भी कोई मुंबई पुलिस की साजिश है, क्या ये भी एक महाराष्ट्र सरकार का साजिश है, या ये सच है हमारी बुरी किस्मत माना जाए इसको। तो किस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं, क्या सुशांत भाई को इंसाफ मिलने में देरी माना जाए, या उनके साथ जो हुआ ऊपर वाले को भी मंजूर नहीं कि वो चीजें खुलकर आए। तो आखिर ये क्या हो क्या रहा है। इतना ही नहीं, जितने लोगों से पूछताछ की गई है, चाहे वो कुक नीरज हो गया, मिरांडा है, संदीप है, पिठानी है, या हमारी डायन चक्रवर्ती है, जितने लोगों से पूछताछ हुई है, जितने लोग अभी तक CBI के कांटेक्ट में और त्रिमुखे के वजह से जो कांटेक्ट में आए हैं, माना जा रहा है कि उन सब का कोरोना टेस्ट होना पॉसिबल है। और इस चीज़ का कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस फ़ायदा उठा सकती है, इस चीज़ का कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि जब बिहार से आए ऑफिसर को उन्होंने क्वारंटाइन कर दिया तो ये तो उनको एक ऐसा मौका, एक ऐसा अवसर मिला है जिसे शायद वो गंवाना चाहें, क्योंकि उनको एक मौका मिला है जिस पे वो अपना गेम खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें अभी क्लियर आने ही वाली है, सामने आने ही वाली है, उसको रोक लें और फिर से चीज़ों को उल्टा घुमा के उनको टाइम मिल जाए, ताकि वो जितने भी गवाह सबूत अभी तक CBI इकट्ठा कर रही है, जो बयान CBI इकट्ठा कर रही है, उन जितने भी गवाह जो हैं उन सबको और ज़्यादा ट्रेनिंग दे दिया जाए CBI के सवालों को जवाब देने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि मुझे 100% 100% सिर्फ यही लग रहा है। लेकिन इसके अलावा साथ में ये भी ड्रग्स एंगल से जुड़ा हुआ है कि मिस्टर शुक्ला जो जिम के ट्रेनर थे, उन्होंने खुल के बयान दिया है अपना कि सुशांत भाई कभी भी ड्रग्स ले ही नहीं सकता है। सलमान खान, शाहरुख खान जिसके कि 4 abs और 6 packs थे, लेकिन यहाँ पे सुशांत भाई के बने थे 8 packs। तो वो कहते हैं कि उनका जो लेवल था एक्सरसाइज करने का, जो एक उनका जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। उनके आने का टाइम फिक्स है, चाहे वो रात को कितनी भी देर में सोएं, कितनी भी देर में जाएं, कितनी भी देर में शूटिंग से वापस आए, लेकिन सुबह वो टाइम से पहुंचते थे, क्योंकि जो ट्रेनर होता है सबका टाइम फिक्स होता है, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी जिम है, जो ट्रेनर है उन्होंने सबका टाइम एक फिक्स करके रखा होता है। तो उसकी वजह से वो बिल्कुल टाइम से आते थे और उनका एक्सरसाइज करने का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। तो उनके एक्सरसाइज स्टैमिना स्पिरिट देख कर और उनके लेवल ऑफ एक्सरसाइज को देख कर वो क्लियर, और कोई भी क्लियर कह सकता है कि एक चर्सी इंसान, एक ड्रगी इंसान इतनी देर तक एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता। और इतना ही नहीं, वो खुल के बात करता था एज अ फ्रेंड, एज अ बड़ा भाई उनसे, और वो खुद बोलता था कि यार बॉलीवुड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो जो दिखता है वो है नहीं। इतना नहीं, बहुत सारे कॉल रिकॉर्ड सामने आए हैं जिसमें कि वो बार बार अपने खर्चे को कम करने की बात कर रहा है, और उसी सेम कॉल पे कॉन्फ्रेंस में श्रुति के साथ वहाँ पे कंटिन्यू वो पैसे को कम करने की बात कर रहा है, खर्चे को कम करने की बात कर रहा है, और ये कंटिन्यू पैसे की बात कर रही है। कितनी भूखी थी ये पैसे की, कितनी लालची है ये रिया चक्रवर्ती, और बोलती है पैसे से कोई कनेक्शन नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग खुद सामने आई है जिसमें कि इसका सारा चीज़, जितना भी इसका जो अटेंशन था, वो सब कुछ और सिर्फ पैसों पे ही टिका हुआ था। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती पैसों के लिए था, और जो इसने डिस्क डिलीट किए वो सारे के सारे डिस्क क्या सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स के डिपेंडेंट था? जो सारे हार्ड ड्राइव डिलीट हुए, क्या उसमें सारे ट्रांजेक्शन्स थे?
लेकिन ये चीजें सामने आएंगी, बट उम्मीद करते हैं और हम यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से, यही प्रार्थना करते हैं कि कोरोना जो पूरे 2020 का तहस नहस कर चुका है, कम से कम इस सुशांत भाई के केस में बाधा ना डाले। और जैसे चीजें चल रही है और जिस उम्मीद पे हम इस मुहिम को चला रहे हैं, ये हमारी जो मुहिम है वो कायम रहे और ऐसे ही हमें बहुत जल्दी जीत मिले और भाई को इंसाफ मिले। तो आप लोग भी मेरे साथ प्रार्थना करें कि कोरोना जो अभी तक पूरे 2020 की तहस नहस कर चुकी है, हमारे सारे उम्मीदों पे, सपनों पे, बहुत सारी चीजों पे पानी फेर चुका है, ये भाई के केस पे असर ना डाले। मेरे साथ बने रहे, जो मुहिम हमने चलाई है #जागो इंडिया बस सुमन, आप इससे मेरा साथ दें और अपनी आवाज उठाए। सिर्फ यही नहीं, जहां भी कुछ गलत हो रहा है और आपको लगता है कि अगर आपके एक आवाज से चार लोग आपके साथ बोलेंगे, तो प्लीज आप इनिशिएटिव लें, आवाज उठाएं, डरे ना, क्योंकि पूरा भारत सच के साथ है। थोड़ी देर से सही, लेकिन भारत जागता है। जय हिंद।